1972 इस साल जो लोगों ने नागपुर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ली थी, वो सभी हम दोस्त लोग 50 साल बाद गोवा में मिलने जा रहे हैं। 10 और 11 जनवरी 2023 को गोल्डन जुबिली हम मना रहे हैं। हम उसे कहते हैं एडमिशन की गोल्डन जुबिली। बहुत सारी यादें ताजी हो गई जब मैं ये सफ़र को निकला। तो जब तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे लगा कुछ बातें मैं शेयर करूँ मेरे दोस्त लोगों के साथ में, और बाकी भी लोगों को जो मेरी कम्युनिटी है यूट्यूब की, उनको भी शेयर करूँ, इसलिए मैं ये वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ। याद आता है कि जब हम यहाँ फर्स्ट ईयर बीएससी कंप्लीट करके अच्छे मार्क्स हमको मिले, और मैं डॉक्टर घासकड़ भी, जगन्नाथ ढोणे, अरुण भागवत, श्याम लालवाणी, राजेंद्र आगरकर, हेमंत जोशी, यहाँ से जो मुझे हमारे साथ में, हम बहुत साथ में रहते थे हरदम, तो ये लोग मुझे याद आते हैं कि यहाँ से हम एडमिशन ने लिया। फर्स्ट ईयर में तो बहुत ज़्यादा डर, क्योंकि बहुत ज़्यादा रैगिंग होता है, और फर्स्ट ईयर में ना हॉस्टल मिलता ना हॉस्टल में रहने को कोई तैयार रहता। 1972 में तुम जितना ज़्यादा दूर रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, उतने रैगिंग से बच जाएंगे। मैं धर्मपेट में रहता था, धर्मपेट से आते थे, मगर मुझे वो दिन याद है कि फर्स्ट ईयर बोले तो व्हाइट एंड व्हाइट ड्रेस, सफ़ेद पैंट सफ़ेद शर्ट पहनो, लाइन में खड़े रहो और सीनियर के जो भी सवाल आएंगे उसका जवाब दो। सीनियर ने कभी रूम पे बुलाया हनुमान नगर में तो वहाँ जाओ और वहाँ रैगिंग सहन करो। रैगिंग का एक्चुअली इंटेंशन जो था वो ऐसा था कि आगे फ्यूचर के जो डॉक्टर है ना वो टफ बनने को होना, और वो उद्देश्य बाजू में रह के होता था ऐसा कि कुछ भी विभिन्न बातें करने को बोलते थे या कुछ टफ टॉक करते थे या कुछ मतलब ऐसा जो नहीं करना चाहिए ऐसे अब्यूज़ करते थे, सेक्शुअल अब्यूज़ भी होता था। तो फॉर्चुनेटली मेरे से हुआ नहीं क्योंकि मैं धर्मपेट में रहता था। फर्स्ट ईयर का मुझे याद आता है, और एक इलेक्शन अरविंद आप्टे और श्रीकांत जिचकरन का, वो दोनों के भाषण मुझे अभी भी क्लियरली याद है। फर्स्ट ईयर में मुझे वो भी याद आता है कि फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल चालू था और वहाँ देशपांडे प्रोफेसर थे हमारे, डॉक्टर देशपांडे करके, और कुछ मैंने गलती की होंगी, मुझे याद नहीं कि गलती क्या किया था, तो उन्होंने इतना ज़ोर से चिल्ला के मुझे गेट आउट किया फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल से, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने छोड़ के निकल जाना है। उन्होंने बोला कि फर्स्ट ईयर आपको किसने पास किया, किसने एडमिशन दिया, और मैं बहुत डरा हुआ था। अभी मुझे वो 1972 का दिन याद है। तो मैंने दिमाग में एक ही सोचा कि ये व्यक्ति ने मुझे एडमिशन दी नहीं है तो ये व्यक्ति मुझे कॉलेज से निकाल नहीं सकता, मुझे तो MBBS करना है। काफ़ी सारी बातें सेकंड थर्ड ईयर में मुझे याद नहीं आ रहा है अभी पक्का कि हमारे बैच के कुछ लोगों को रस्टिकेट कर दिया क्योंकि उन्होंने रैगिंग किया था करके, फिर बाद में हमने हड़ताल किया और उनको रेस्टोर करवा लिया। एक याद बात आती है कि भाई ऐसा था कि सीनियर से ऑर्डर आ गई तो उसका पालन करना ही पड़ता है। मुझे याद है कि सदर में कुछ तो भी दंगा हो गया था, कुछ मेडिकल कॉलेज के लड़कों को किसी ने मारा था, तो बस आवाज़ आ गई, अरे चलो रे चलो रे चलो रे, सब हम हॉस्टल से निकल गए। मेरे ख्याल से सेकंड या थर्ड ईयर की बात है, हम जो भी हॉकी स्टिक लाठी काठी लेके हम सब दौड़ रहे कहाँ सदर की ओर, और फिर वहाँ पहुँचने के बाद मालूम पड़ा कि कुछ तो भी और हल्ला गुल्ला हो, यार भागो रे करके और आवाज़ आ गई, पता नहीं क्या हुआ एक्चुअली क्या हुआ ये अभी भी मुझे याद नहीं है और मालूम नहीं है। और फिर वहाँ से सब लोग फिर भाग निकले और फिर मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में पहुँच गए। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी यादें हैं कि जो मैं करना चाहूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मगर मुझे इतने बोलना है कि भाई वो दिन एक 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 घटनाएँ याद आती है तो बहुत अच्छा भी लगता है। आज हमारे साथ में करीब करीब 25 लोग नहीं है, मेरे अजीज दोस्त जगन्नाथ ढोणे आज नहीं है, एकदम अचानक सुबह फ़ोन आया उनके घर से कि भाई अरे वो तो गुजर गए, रात में उनको नींद में अटैक आ गया और वो निकल पड़े, बहुत दुख हो गया। अकोला के डॉक्टर ओंकार भी निकल गए, उनको भी प्रॉब्लम था। फिफ्थ ईयर CR का जो सेलिब्रेशन होता है ना मेडिकल कॉलेज में, तब होता था, अभी पता नहीं क्या हो रहा है। तो फिफ्थ ईयर CR का सेलिब्रेशन जो होता था वो ऐसा था कि जो भी एकदम सादा भोला जो है उसको क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाते थे, फिफ्थ ईयर CR बना देते और उसको बनना ही पड़ता था। और उस समय जगन्नाथ ढोणे जो थे, जो टफ व्यक्ति माने जाते थे कि बहुत टफ है और बहुत डेयर डेविल है, तो उन्होंने खुद ने बोला नहीं नहीं फिफ्थ ईयर CR तो मैं बनने वाला, और इस बार हम जो परंपरा चली उसको खंडित करेंगे। बहुत मजा आ गया। अभी मुझे दिन याद है कि फिफ्थ ईयर CR को महाराजा बोलते थे, और महाराजा बोले तो उसकी यात्रा निकालना, उसका सेलिब्रेशन करना, और बहुत सारी बातें वो भी याद आ रही है फिफ्थ ईयर CR की। और उस समय हमने परंपरा वो खंडित कर दी थी। आज हम सभी लोग मिलने जा रहे हैं और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि साथ साथ 25 लोग जो हमारे में से गए उनकी आत्मा को शांति मिले।
और हमारा जो अभी 10 और 11 का सेलिब्रेशन है, शायद पता नहीं इसके बाद में हम कब मिलेंगे, ऑलरेडी अभी हम बिटवीन 67 टू 69 70 ईयर्स के बीच में लोग हैं, पता नहीं इसके बाद में कब मिलना होगा। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मजे करेंगे। थैंक यू वेरी मच।